Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 5th of April 2020. So, 5 April 2020 ka news analysis dekhenge. Sunday ka din hai. It's again a tragic news to see that the cases of corona are increasing, not only in India but all over the world. So, we all should first of all pray to God that please take this pandemic away. पहले तो इस पैंडमिक को दूर करने का, दूसरा प्रोटेक्शन शुड इज इन आर हैंड, द प्रिवेंशन इज इन आर हैंड एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो ऐसा कहता है द प्रिवेंशन इज इन आर हैंड का मतलब ये है कि हमारे हाथ को साफ रखना है, ठीक है ना, हमारे हाथ में ही इसका सोल्यूशन है. हाथ को साफ रखो, मुंह पे और आँखों पे इस तरह से उसको बार बार रगड़ना बंद करो, उसको मत रगड़ो, है ना. तो दीज आर सम ऑफ द प्रिवेंटिव स्टेप्स विच कैन टेक, एंड एटलीस्ट जो डिस्टेंस है 6 फीट का वो मेंटेन करके रहो, है ना. 2 मीटर 2.5 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके रहो फ्रॉम एनी अदर इंडिविजुअल जिसके बारे में आपको नहीं पता है कि उसकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या है, उसके कॉन्टैक्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है ना. तो ये सारे कुछ प्रोटेक्शन है जो कि आपको अपने तरफ से करने हैं, एंड बी सेफ बी सिक्योर्ड. दूसरा, जिनको करंट अफेयर्स की PDF चाहिए, पॉलिटी 365, इकोनॉमी 365 एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, एंड आई विल से दैट इंटरनेशनल अफेयर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट विच वी हैव रिटन. बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, इसके बाद आपको कभी भी, इनफैक्ट आने वाले सालों में भी अगर आप कुछ भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ मोर देन इनफ. हमने ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको छोड़ा हो जो कि इंपॉर्टेंट हो UPSC के लिए और जो आ सकती है, तो यू कैन टेक दैट एज वेल, एंड आप ले सकते हैं. Links are given in the description and comment section below. So let's start with the questions first. आज के questions देख लेते हैं जिनके answers आपको करना है. पहला question है, arrange the according to the economic survey 2019-20, economic survey 2019-20 के हिसाब से descending order में आपको इंडिया के 5 top imports को arrange करना है. Okay, इनमें से कौन से, मतलब descending order में करना है, सबसे ज़्यादा सबसे कम में आपको imports को arrange करना है. First is gold, second is petroleum product, third is crude petroleum, fourth is coal, fifth is coke and briquettes. Okay, तो आपको arrange करना है 1, 3, 4, 2, 5, 3, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 1, 4, 5, या 1, 2, 3, 4, 5. क्वेश्चन नंबर 2 इज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर इंडिया टॉप 5 एक्सपोर्ट्स. अब ये टॉप 5 एक्सपोर्ट्स हैं, इनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में. पहला है गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल्स, सेकंड इज ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल्स, थर्ड इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फोर्थ इज प्रीशियस स्टोन्स, फिफ्थ इज आयरन स्टील. ऑप्शंस आर 1, 2, 3, 4, 5. B is 3, 4, 2, 1, 5, C is 4, 3, 2, 1, 5, या D 3, 4, 1, 2, 3. तो आपको अरेंज करना है इनको. थोड़ा आपको सोचने का समय दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आंसर्स आपको बता दूंगा. थर्ड क्वेश्चन इज यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी. यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी कोलिएशन वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज एन इनिशिएटिव ऑफ, ये किसका इनिशिएटिव है. ऑप्शंस आर ए इन UN एनवायरमेंट, बी वर्ल्ड बैंक, सी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, डी यूरोपियन कमीशन. तो ये आपको तीन क्वेश्चंस दिए हैं. प्लीज डू टेल मी द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अब मैं आपको इनके आंसर्स बता देता हूँ एक एक करके. ओके, तो जो मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से आपको अरेंज करना है टॉप 5 इंपोर्ट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आंसर विल बी बी 3, 1, 2, 4, 5. तो इस तरीके से कुछ हमारे टॉप 5 जो इंपोर्ट्स हैं कुछ इस तरीके से हैं. सबसे ज़्यादा हम क्रूड पेट्रोलियम को इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्रूड पेट्रोलियम था नंबर 3 पे. फिर हम देख दूसरे नंबर पे गोल्ड को करते हैं, तो गोल्ड यहाँ पे था 1 पे, तो 3, 1 हो गया. फिर हम करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जो कि था आपके नंबर 2 पे, है ना, तो 3, 1, 2 हो गया. एंड फिर हम करते हैं कोल को जो कि था यहाँ पे चौथे नंबर पे, तो 3, 1, 2, 4. एंड फिर हम करते हैं कोक एंड ब्रिकेट्स को, तो ये आपका नंबर 5 था, तो 3, 1, 2, 4, 5. याद रखिएगा इंपोर्ट स्टॉप क्या क्या है, क्रूड पेट्रोलियम नंबर 1 पे है, फिर गोल्ड है, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, फिर कोल है, एंड फिर कोक एंड ब्रिकेट्स हैं, ठीक है. फिर हमको टॉप 5 एक्सपोर्ट्स को अरेंज करना था, तो वो दिखा देता हूँ. टॉप 5 एक्सपोर्ट्स जो हमारे सबसे ज़्यादा होता है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, देन प्रीशियस स्टोन्स, देन ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल्स, देन फोर्थ इज गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल्स, फिफ्थ इज आयरन एंड स्टील. तो ये टॉप 5 एक्सपोर्ट्स हैं हमारे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, प्रीशियस स्टोन्स, ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल्स, गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल्स, फिफ्थ इज आयरन स्टील. तो ये अगर आप अरेंज करेंगे तो कुछ 3, 4, 2, 1, 5 जैसा बनेगा. आंसर विल बी 3, 4, 3, 4, 2, 1, 5.
फिर से एक बार टॉप 5 एक्सपोर्ट्स बताता हूँ, इसको याद रखना, यूपीएससी पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं अरेंज करने वाले। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स तो खास तौर पे जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया होता है, इंपोर्ट्स क्या क्या थे, क्रूड पेट्रोलियम, गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल एंड कोक, है ना, फिर पचमें पे कोक था। एक्सपोर्ट्स में देखें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नंबर 1 पर आता है, फिर हम प्रीशियस स्टोन्स नंबर 2 पर आता है, ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल्स, गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल्स एंड आयरन स्टील। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था मैंने, यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी कोलिएशन किसका है, तो ये यूरोपियन कमीशन का है, यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी, याद रखिएगा किसका है, ये यूरोपियन कमीशन का है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये क्या काम करता है, किसके लिए बनाया गया, दिस इज अ क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा मेरे लिए। नाउ मैप ऑफ द डे है बाल्टिक सी कंट्रीज, बाल्टिक सी की कंट्रीज कौन कौन से हैं जो बाल्टिक सी को टच करती हैं, सो इट्स अ ब्यूटीफुल मैप गिवन हेयर, यू कैन सी इट हेयर, ओके। तो पहले हम नीचे देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं बाल्टिक सी को, फिर मैप में दिखा दूंगा मैं आपको। तो बाल्टिक सी को टच करने वाली कंट्रीज है डेनमार्क है, एस्टोनिया है, लातविया है, फिनलैंड है, जर्मनी है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, रशिया है एंड स्वीडन है, ठीक है ना। तो कौन कौन सी हैं, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, फिनलैंड, जर्मनी, लिथुआनिया, पोलैंड, रशिया एंड स्वीडन। तो आपको दिख रहा होगा ये कंट्रीज मैंने बता दी, फिर से देख लीजिएगा, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, फिनलैंड, जर्मनी, लिथुआनिया, पोलैंड, रशिया एंड स्वीडन, मतलब 9 कंट्रीज हैं। अब वो मैं कंट्रीज आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी है। देखो बाल्टिक सी आपको दिख रहा है, ये अब ये बाल्टिक सी वाला रीजन है, तो ये देखो पहला तो फिनलैंड आपको मिल गया, दूसरा ये आपको रशिया देखो दिख रहा है, फिर एस्टोनिया दिख रहा है, लातविया दिख रहा है, लिथुआनिया दिख रहा है, देन पोलैंड दिख रहा है, जर्मनी दिख रहा है, डेनमार्क दिख रहा है, स्वीडन दिख रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 कंट्रीज हैं जो कि बाल्टिक सी को टच करती है, जो कि मैंने बताया। फिर से देख लो सबसे ऊपर से नीचे अगर देखो तो ये फिनलैंड मिल गया, फिनलैंड के बाद ये रशिया वाला रीजन है जो टच कर रहा है, तो ये दूसरी कंट्री हो गई, देन एस्टोनिया तीसरी हो गई, लातविया चौथी हो गई, लिथुआनिया पांचवीं हो गई। तो ये भी देख लो अरेंज करने में, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड, ये है नॉर्थ से साउथ का ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है इनको बाल्टिक नेशंस भी कहा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बाल्टिक स्टेट्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। अगर बाल्टिक स्टेट्स का भी लिखने के लिए आए तो ये 3 कंट्रीज को शॉर्ट हैंड में कहा जाता है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को, ठीक है ना। इसलिए ये ऑर्डर याद रखना कि एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड आता है, इस तरह से नॉर्थ से साउथ अगर याद रखना है तो ये याद रखेगा। ऊपर हमने फिनलैंड देख लिया था 1, रशिया देख लिया था 2, एस्टोनिया 3, लातविया 4, लिथुआनिया 5, फिर ये पोलैंड 6, देन जर्मनी 7, डेनमार्क 8 और स्वीडन 9, ठीक है ना। ये स्वीडन की यहाँ पे स्टॉकहोम आपको दिख रहा होगा, ओके, एंड सब कैपिटल्स भी लिखी हुई हैं, जैसे लातविया की रीगा लिखी है, एस्टोनिया की लिखी है, तो इस तरीके से आप कैपिटल भी देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये मैप वर्क था, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। देन इधर आपको दिख रहा है कि ये बाल्टिक सी है और इधर साइड ये नॉर्थ सी है, इसको स्वीडन टच कर रहा है, डेनमार्क टच कर रहा है, इधर ऊपर से नॉर्वे टच कर रहा है, तो ये भी हमने एक्स्ट्रा सीख लिया। बट याद रखिएगा कल मैं बल्कि नॉर्थ सी का और ज़्यादा डिटेल बता दूंगा। बाल्टिक स्टेट्स का याद रखना, बाल्टिक स्टेट्स अगर पूछता है तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया को पर्टिकुलर कहा जाता है। अगर टच करने वाले पूछे बॉर्डर तो 9 कंट्रीज, फिनलैंड, देन रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड। अब अगर आपको यहां पे कंफ्यूजन है कि ये अलग से रशिया क्यों लिखा है, तो ये क्या होता है, एक्सक्लेव इनक्लेव का कंसेप्ट आप जानते हैं ना, एक्सक्लेव इनक्लेव, ये थोड़ा थोड़े पार्ट में वो कंट्री का कोई कोई हिस्सा इधर उधर रहता है, तो उस कारण से ये रशिया का ये पार्ट आपको दिख रहा है। बट ये याद रखिएगा 9 कंट्रीज जो मैंने बताई, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम, कंट्रीज याद रहेंगी। द ग्रुप ऑफ कंट्रीज प्रेजेंटली रिफर्ड बाय द शॉर्ट हैंड बाल्टिक स्टेट्स, बाल्टिक स्टेट्स अगर आपसे कोई पूछे तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जरूर याद रखना, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और नीचे पोलैंड है, ये नॉर्थ से साउथ का ऑर्डर है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये आपको जरूरी है, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं फ्रंट पेज की जो पहली न्यूज है, 42% ऑफ द पेशेंट्स बिटवीन 21 and 40 ईयर्स ऑफ एज। तो ये जो एक डाटा आया है ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग डेटा है, क्योंकि कई लोग अभी तक क्लेम कर रहे थे कि सिर्फ जो ज़्यादा एज ग्रुप के लोग हैं उनको ही होता है, तो ये जो क्लियर कर दिया जाए कि 42% जो पेशेंट्स हैं वो 21 से 40 साल के बीच में है। तो अगर आप ये एज ग्रुप देखें तो लगभग 40% से ज़्यादा लोग 21 से 40 के हैं, देन 8-9% के लोग 0 से 20 के
के एज के हैं 8% के लगभग, ये है 42% के लगभग, देन 41 से 60 कर देखें तो 35% के आसपास, जो 33% के आसपास जो लोग हैं वो 41 से 60 के हैं, एंड 60 प्लस अगर आप देखें तो केवल 60 प्लस 12% के आसपास हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का कुछ एज ग्रुप का जो डिवीज़न है वो कुछ इस तरीके से है कोविड 19 में। तो 42% जो कन्फर्म्ड केसेस हैं, टेस्ट पॉजिटिव हैं, वो 21 से 40 साल के हैं, ऐसा यूनियन होम हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है। एंड ओनली 17% ऑफ दोस टेस्टिंग पॉजिटिव वर ओवर 60, तो ओवर 60 जो है वो 17% के आसपास के ही लोग हैं, ठीक है। तो परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो इंडिया है, इंडिया में अगर आप देखें कि कितने ज़्यादा परसेंट केसेस किस एज ग्रुप के हैं, तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अब न्यूज़ में था, IMD न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि एक न्यूज़ आई थी, ग्राउंडिंग ऑफ प्लेन्स इफेक्ट IMD's वेदर डेटा सप्लाई। तो जो ग्राउंडिंग हो गई प्लेन्स की, फॉर एग्जांपल प्लेन्स उड़ नहीं रहे हैं, उनका कोई वो फ्लाइट नहीं, इस कारण से जो IMD का डेटा है, जो वेदर रिलेटेड जो डेटा वो देते हैं, उसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये डाटा रिले होता है एयरक्राफ्ट्स ऑन टेम्परेचर विंड स्पीड, लेकिन जब एयर टेम्परेचर विंड स्पीड जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो ऊपर जा ही नहीं रहे, तो फिर इसके कारण IMD को थोड़ा सा तकलीफ हो रही है डेटा बनाने में। IMD की बात करें तो IMD है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एजेंसी है, जो कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड के अंदर आती है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आती है। इट्स द प्रिंसिपल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड सीस्मोलॉजी। ओके, तो वेदर फोरकास्टिंग सीस्मोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। बनी कब थी, 1875 में बनी थी, एंड इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है, और इसके ऑब्जर्वेशन सेंटर्स जो है वो अलग अलग जगहों पे हैं, जैसे कि इसके रीजनल ऑफिस आपके मुंबई, कोलकाता, नागपुर, पुणे में मिल जाएंगे। बना था ये 1875 में, मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, MoES के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। नोवेल कोरोना वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड इवन बिफोर सिम्टम्स शो अप, तो एक न्यूज़ ये आई थी, ये बल्कि बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस में आई थी, कि ए सिम्टोमैटिक जो ट्रांसफर है वो भी देखने को मिल रहा है, मतलब कि प्री सिम्टोमैटिक एंड ए और ए सिम्टोमैटिक ट्रांसमिशन भी कोरोना का पॉजिटिव है, ऐसा पाया गया है, मतलब कि सिम्टम्स दिखाने से पहले भी कोरोना वायरस स्प्रेड हो सकता है। तो ये भी एक न्यूज़ आई थी, ये मैंने इसमें ऐड कर दी। आज जो इंपॉर्टेंट इशूज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के, जैसे कि बीच में आपको कोई न्यूज़ यहाँ पर नहीं मिलेगी जो कि डिस्कस करने योग्य है ना, कोरोना के कारण कोई ऐसी न्यूज़ नहीं। IRDI है, लेकिन हम उसको आगे बताएंगे, IRDI की मैंने नोट्स लिख दी है। नोवेल कोरोना वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड इवन फॉर सिम्टम शो, ये आपका हिंदू का आज का न्यूज़ है। ओके, तो ये भी था, इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था। एंड बाउंटी फ्रॉम ऑयल प्लंज, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑयल के प्राइजेस जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे ऑयल के प्राइजेस बहुत ज़्यादा घट गए हैं। तो सबसे पहला तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑयल के प्राइजेस घटे क्यों हैं। सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है डिमांड कम होने के कारण। डिमांड कम क्यों, देखो अब व्हीकल्स चल रहे हैं, ये तो कोरोना के कारण तो और ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा ज़्यादा, ये सब चीज़ें नहीं है, तो और ज़्यादा डिमांड कम है ऑयल की, तो इस कारण से प्राइसेस तो घटेंगे ही। दूसरा चीज़, जो ग्लोबल सप्लाई में स्लोडाउन था, ग्लोबल स्लोडाउन जो था उस कारण से ऑलरेडी ऑयल के प्राइसेस कम चल रहे थे डिमांड कम होने के कारण से, ठीक है। फिर बीच में हुआ क्या, बीच में ये हुआ, डिसाइड ये किया गया, सऊदी अरेबिया ने अपनी जो कंट्रीज़ हैं, अपने जो दोस्त हैं OPEC के, को ये कहा कि वी विल बी डिक्रीजिंग द सप्लाई, हम सप्लाई डिक्रीज कर देंगे। अब आपको पता है कि सप्लाई अगर डिक्रीज होगी तो प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे, बट रशिया ने बोला कि हम सप्लाई डिक्रीज नहीं करेंगे, वी विल नॉट डिक्रीज द सप्लाई। अब रशिया ने ऐसा क्यों कहा था, रशिया ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि रशिया को पता था कि अगर वो सप्लाई डिक्रीज कर देते हैं और प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है, तो इस कारण से जो USA का शेल गैस है, जो USA का शेल मार्केट है, वो काफ़ी ज़्यादा इनके ऑयल को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि लोग जब शेल और इसके प्राइस को सेम देखेंगे तो ज़रूर शेल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इस कारण से रशिया नहीं चाहता था कि उनका जो ऑयल मार्केट है वो USA का शेल मार्केट ले ले, इस कारण से वो चाहते थे कि प्राइस थोड़ा कम ही रहे, और प्राइस अगर कम रखना है तो फिर उनको सप्लाई कट नहीं करना था, इस कारण से उन्होंने सप्लाई कट करने से मना कर दिया। रशिया OPEC का पार्ट नहीं है, रशिया OPEC प्लस का पार्ट है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि OPEC प्लस में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं OPEC के अलावा। OPEC में पहले 15 मेंबर्स थे, अभी अगर आपको कहीं 15 मेंबर लिख रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि दो मेंबर्स हट चुके हैं। वो दो मेंबर कौन कौन से हटे हैं, कतर हटा है 2019 में और इक्वाडोर हटा है अभी रिसेंटली 2020 में। तो कतर एंड इक्वाडोर दो मेंबर्स हट गए हैं, 13 मेंबर बचे हैं, 15 मेंबर पहले थे। कतर हटा है अभी लास्ट ईयर जनवरी में आई थिंक, और इस साल हट गया आपका इक्वाडोर। तो ये दो
मेंबर्स हट गए हैं, 15 मेंबर थे अब 13 मेंबर बचे हैं, ये ओपेक के मेंबर हैं। लेकिन ओपेक प्लस भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ओपेक प्लस में ओपेक प्लस कुछ अदर कंट्रीज रहती हैं, जैसे कि आपका ये रशिया हो गया, रशिया उसी का पार्ट है, ओपेक प्लस का पार्ट है। तो और कौन सी कंट्रीज हैं ओपेक प्लस में, ये अगर आप बता सके तो दैट विल बी वेरी गुड। तो ये मैंने आपको पहले पूरी चीज़ बता दी कि ऑयल प्राइजेस कैसे क्या घटे। अब देखो हुआ क्या, जब ऑयल प्राइस घटते हैं तो आपको ये पता है कि ऑयल प्राइजेस से ही इंडिया के पेट्रोल डीजल के दाम तय होते हैं ना, इंटरनेशनल ऑयल प्राइजेस से। तो अब जब ऑयल प्राइजेस डिक्रीज हो रहे हैं तो इंडिया में फिर पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस क्यों नहीं घट रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन, कि अगर ऑयल प्राइजेस घट रहे हैं तो पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस इंडिया से क्यों नहीं घट रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि इंडिया ने क्या किया कि जैसे ही पेट्रोल ऑयल प्राइजेस घटे, इंडिया ने एक्साइज ड्यूटी जो लगती थी वो बढ़ा दी, इंडिया ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, एक्साइज ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया। जब एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज कर दी तो जितना प्राइस घटना चाहिए था उतने ही लेवल का इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, तो जो प्राइजेस थे पेट्रोल डीजल के वो कांस्टेंट रहे, वो इंडिया के कंज्यूमर्स को घटे हुए नहीं मिले। अब देखो ये क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा किया गया कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई, और क्यों गवर्नमेंट ने पूरा जो बेनिफिट है ऑयल प्राइस डिक्रीज होने का वो कंज्यूमर्स तक क्यों नहीं शिफ्ट किया। इसका सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि गवर्नमेंट को ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट था, ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करना था, तो उन्होंने ये सोचा कि देखो ऑयल प्राइसेस घटने से जो उनका इंपोर्ट का बिल है वो तो डिक्रीज होगा। अब वो अगर वो डिक्रीज होगा और उतने ही दाम से अगर वो ऑयल डिक्रीज कर देते हैं पेट्रोल डीजल के प्राइस से, तो क्या होगा कि उनका जो नेट गेन है वो बराबर हो जाएगा, मतलब कि उनको गेन ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर उन्होंने वो प्रॉफिट कंज्यूमर्स को शिफ्ट कर दिया तो फिर उनको तो कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं, उनका तो फिस्कल डेफिसिट उतना ही रह जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि गवर्नमेंट सोचा कि बिल हमारा कम हो जाए लेकिन इधर से जो हमको पेट्रोल डीजल से रेवेन्यू मिलता था वो भी हमको पहले के बराबर ही मिले। मतलब देखो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, कि पहले सपोज इंडिया 1000 रुपये का ऑयल इंपोर्ट करता था, सपोज 1000 का हम ऑयल इंपोर्ट करते थे, ₹1000 का ऑयल इंपोर्ट करते थे, पेट्रोल डीजल से हमको मिलता था 1000 रुपये, सपोज 1000 मिलता था। अब क्या हुआ, प्राइस घट गए इंपोर्ट करने के, ऑयल प्राइसेस घटे, तो अब मान लो इंडिया 500 का ही उतना पेट्रोल जो पहले उसको 1000 रुपये मिलता था अब उसको सपोज 500 रुपये में मिल रहा है। तो अब अगर गवर्नमेंट चाहे तो अब उसको 500 रुपये ही देना पड़ रहा है, तो चाहे तो इसको भी कम कर दे और 500 पे ला दे, बट गवर्नमेंट ने इसको 1000 रुपये ही रखा, इसको गवर्नमेंट ने 1000 रुपये ही रखा, ठीक है। तो इनको पहले क्या हो रहा था, 1000 इधर दे रहे थे और 1000 इधर मिल रहा था, तो नेट प्रॉफिट जीरो था, बट इधर अब ये 500 दे रहे हैं और इधर ये 1000 इनको मिल रहा, तो नेट जो इनका प्रॉफिट है वो 500 हो जाएगा। तो अब जो गवर्नमेंट ने किया एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके, वो ये किया कि उनको अपना प्रॉफिट बढ़ाना था ताकि वो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल कर सकें, बाकी के जो चीज़ें उनको फंड कर सकें उस पैसे से। तो इसको विंडफॉल गेन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, विंडफॉल गेन कहते हैं। तो वो गवर्नमेंट जो है मेंटेन करना चाहता था विंडफॉल गेन, तो इस कारण से उन्होंने एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया है, कोई हमारे नुकसान के लिए नहीं किया है, बिल्कुल हमें हमारी कंट्री की अगर इकोनॉमिक स्थिति सही रहेगी तो हम सबकी स्थिति सही रहेगी। तो बेसिकली इट्स नॉट अ मूव दैट अफेक्ट्स अस, मतलब कि हमको बहुत ज़्यादा नुकसान जो पहुँचाए, एंड गवर्नमेंट को लेकिन फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा तो हमारे कंट्री को फ़ायदा होगा, इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। सो दिस वॉज द इशू, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरा है, वाई मस्ट COVID-19 क्लस्टर्स बी आइडेंटिफाइड, क्यों COVID-19 के क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अब देखो ये पार्ट ए और पार्ट बी, ये दो ग्राफिक्स हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। देखो इसमें दिखाई जा रहा है कि कौन कौन से सिम्टोमैटिक केसेज हैं, कौन कौन से केसेज ए सिम्टोमैटिक केसेज हैं, कितने साल के लोग हैं, कितने प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स थे, कितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स थे। पार्ट बी अगर आप देखो तो आपको दिखाई देगा कि क्या क्या एक्सपोज़र हुआ, कहाँ कितने पीरियड तक एक्सपोज़र रहा, ठीक है ना, एंड सेकेंडरी कॉन्टैक्ट कहाँ पे गए, फिर उसने क्या किया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बताए, तो यही जो मैपिंग की जा रही है पूरी, यही जो पूरी मैपिंग की जा रही है एज ग्रुप से लेकर के सिम्टम से लेकर के उनके कॉन्टैक्ट से लेकर के, इसको बोलते हैं आप क्लस्टरिंग, प्लॉटिंग द क्लस्टर, पूरा क्लस्टर आप इसको बनाते हो। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है बनाना, इसका रीज़न है, सबसे पहले तो डिसीज़ क्लस्टर होता क्या देख लेते हैं। अ डिसीज़ क्लस्टर इज़ डिफाइंड एज एन एग्री एग्रीगेशन ऑफ केसेस इन एन आइडेंटिफाइएबल सब पॉपुलेशन, एक ऐसा एग्रीगेशन ऑफ केसेस, एग्रीगेशन ऑफ केसेस सारे केसेस को एग्रीगेट कर दो इन एन आइडेंटिफाइएबल सब पॉपुलेशन, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं डिसीज क्लस्टर, ठीक है ना। अब ये जो केसेस टर्म यूज हो रहा है, केसेस नहीं है ना कि एग्रीगेशन ऑफ केसेस, तो केसेस जो है इन द डेफिनेशन स्टैंड्स फॉर पीपल विद सिमिलर सिम्टम्स और अ मेडिकल कंडीशन
याद रखिएगा कि केसेस का मतलब है ऐसे लोग जो कि सिमिलर सिम्टम्स दिखा रहे हैं या सिमिलर मेडिकल कंडीशन दिखा रहे हैं। सब पॉपुलेशन का मतलब है इट दोज पीपल हु शेयर और बिलोंग टू द सेम स्पेस टाइम फैमिली वर्क प्लेसेस एक्सेट्रा। ऐसे लोग जो सेम या तो स्पेस शेयर कर रहे हो या टाइम शेयर कर रहे हो या फैमिली शेयर कर रहे हो या वर्क प्लेस शेयर कर रहे हो, इनको सब पॉपुलेशन कहा जाता है। तो ऐसे केसेस मतलब कि ऐसे लोग जो सेम सिम्टम्स दिखा रहे हैं उनको एग्रीगेट करना इन अ सब पॉपुलेशन, मतलब कि ऐसे लोगों के बीच में जो कि सेम स्पेस टाइम फैमिली वर्क प्लेस में रह रहे हैं, तो इनको एग्रीगेशन जो होता है इन लोगों का वो आपका क्लस्टर कहलाता है। अब ये क्लस्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्लस्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको इससे आपको पता चलता है कि किस तरीके से जो है डिसीज स्प्रेड हो रहा है, कितना टाइम उसमें लग रहा है। तो जो माइन्यूट डिटेल्स है रिगार्डिंग दैट डिसीज, किसी भी पैंडेमिक के कारण या किसी भी एपिडेमिक की जो माइन्यूट डिटेल्स है वो आप क्लस्टरिंग के थ्रू पता कर सकते हैं, किस तरीके से स्प्रेड होता है, कितना टाइम एक्टिव रहता है, क्या रहता है, ये सारी चीज़ें रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल रिपोर्ट्स शो दैट नोवल कोरोना वायरस कैन ट्रेवल अप टू 6 feet फ्रॉम अ डिसीज्ड पर्सन एंड कॉज इन्फेक्शन बिटवीन 2 and 4 इंडिविजुअल्स, 2 से 4 इंडिविजुअल्स को इफेक्ट करता है लगभग, और जो डिसीज्ड पर्सन से 6 feet की दूरी तक ये चाहे तो स्प्रेड हो सकता है लगभग। ये सब क्लस्टरिंग के थ्रू ही पता चलता है बेसिकली, है ना। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं जो कि होने चाहिए। इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस मतलब कि एक तो डिस्कवर करना एक फायर अलार्म की तरह है, जैसे मान लो आज वो व्यक्ति यहाँ पर है, अब वो कल तक वो व्यक्ति न जाने कितने लोगों से मिल लेगा, कल तक वो व्यक्ति न जाने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो एक तरीके से ये जंगल की आग जैसा होता है कि अगर जितना ज़्यादा टाइम आप लगाओगे उतना ज़्यादा वो इन्फेक्ट कर सकता है लोगों को, और जितना जल्दी आप क्वारंटीन कर दोगे या उसको आइडेंटिफाई करके उसको फ्यूचर कॉन्टैक्ट्स को कम कर दोगे उतने वो कम लोगों को स्प्रेड करेगा। तो ये कुछ एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसका, ठीक है ना। एंड एक्टिविटी ट्रेल को फॉलो करना चाहिए, लोगों की एक्टिविटीज़ को फॉलो करना चाहिए, कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। हाउ लॉन्ग द सार्स कोरोना वायरस टू स्टे पोटेंट, अब बेसिकली इसका अलग अलग सरफेस पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है एरोसोल में ये 3 घंटे में कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है, प्लास्टिक में लगभग 72 घंटे लगते हैं, स्टेनलेस स्टील में ये 72 घंटे तक रहता है, कॉपर में लगभग 4 घंटे, कार्डबोर्ड में लगभग 24 घंटे। तो ये है कि हमको सर्फेसेस की क्लीनिंग करनी चाहिए। ऑथर ने यहाँ पे बेसिकली बोला यही है इस पूरे आर्टिकल में, हमको सर्फेसेस की क्लीनिंग करनी चाहिए, सर्फेसेस को डिसइनफेक्ट करते रहना चाहिए हमको। जैसे कपड़े हैं, कपड़े साफ करके पहने, बेड में बैठ रहे हैं बार बार तो उनको साफ करें, एटलीस्ट जो सर्फेस है उनको टच करना कम से कम कर दे। अब जैसे पॉसिबल नहीं क्योंकि मैं जैसे ऑलरेडी मैं अभी भी अपने बेड पे हाथ रखा हुआ, तो अब ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं यार, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको रिस्क तो रहता ही है हर समय, बट जहाँ तक पॉसिबल हो आप डिसइनफेक्ट करके रखो, है ना। 2-3 दिन साला सैनिटाइज़र के अंदर ही सो जाएं, है ना, वही ज़्यादा बेटर है। सैनिटाइज़र के अंदर एक बेड लगवा लेते हैं, उसी में लेट जाते हैं। तो यही सब यही बचा है बस, और तो बाकी सारे कर्म हो ही गए हैं, है ना। तो दिस इज़ द थिंग विच इज़ देयर एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और जो कुछ है थोड़ा बहुत मैं पोर्टल से देख लेता हूँ। तो हमने एक्साइज ड्यूटी हाइक देख लिया, हमने क्लस्टरिंग का न्यूज़ पढ़ लिया, इसके बाद IRDAI जो बचा था वो बता देता हूँ। IRDAI ने कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि रेगुलेट करता है, डेवलप करता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इंडिया में इंश्योरेंस इंडस्ट्री को डेवलप करता है ये। एंड ये बना था बेसिकली एक एक्ट के थ्रू, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। एक्ट कौन सा है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1999, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1999। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। हेडक्वार्टर कहां पर है? हैदराबाद में है। फंक्शंस क्या क्या है IRDAI के? तो है इसके पहला है प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स, तो जो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी को होल्ड कर रहे हैं उनके राइट्स को बचाना। दूसरा प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन टू द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, तो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है उनको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना, सर्टिफिकेशन देना, ये IRDAI का काम है। देन दे रिन्यू, मॉडिफाई, कैंसिल और सस्पेंड दिस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज एंड वेन अप्रोप्रिएट, तो ये रिन्यू भी कर सकते हैं सर्टिफिकेट को, मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, ये सारे काम ये करते हैं। देन दे प्रमोट एंड रेगुलेट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस, रेगुलेट इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है ना। तो ये काम भी यही करते हैं, दे प्रमोट एंड रेगुलेट द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद द इंश्योरेंस। देन एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंश्योरेंस एंड इंटरमीडियरीज और इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, तो जो इंटरमीडियरीज हैं और जो इंश्योरर्स हैं उनके बीच के डिस्प्यूट्स को भी एडजुडिकेट करने का काम करता है। तो दैट इज इट फॉर द डे, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द न्यूज आइटम्स विच वी डिस्कस्ड, है ना। कोविड के कारण थोड़ा न्यूज आइटम जरूर डिक्रीज हुए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये मैप ऑफ द डे और क्वेश्चन के थ्रू और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करके आपको काफ़ी नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। तो आज हमने बाल्टिक सी और इन सब चीज़ों के बारे में देखा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला।
कल के पीआईबी में एक न्यूज़ आई थी, पीआईबी जो थर्ड एंड फोर्थ का हमने बनाया है उसमें एक न्यूज़ आई थी। एक तो स्टैंडर्ड इन इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड इन इंडिया एक पोर्टल है जो कि ऐसे फॉरेन टूरिस्ट्स के लिए है जो कि इंडिया में फंस गए हैं, ठीक है ना। इसकी जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना, ये आप याद रख सकते हैं। देन उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो नेशनल इनोवेशन फंड के रिगार्डिंग था, फाउंडेशन के रिगार्डिंग। तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने बेसिकली एक कोरोना चैलेंज स्टार्ट किया इस कंट्री में, कोरोना चैलेंज के नाम से, मतलब कोरोना से होने वाले जो चैलेंजेस उनको दूर करने के लिए क्या सोल्यूशन, क्या इनोवेटिव सोल्यूशन हो सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कोरोना कोविड 19 कॉम्पिटिशन, C3 कोविड 19 चैलेंज, कोविड 19 कॉम्पिटिशन, चैलेंज कोविड 19 कॉम्पिटिशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि C3 यानी कि चैलेंज कोविड 19 कॉम्पिटिशन किसका है, तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने स्टार्ट किया है। अब नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो है एक बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। सेटअप हुआ था फरवरी 2000 में, ये हुआ था अहमदाबाद में, फरवरी 2000 में अहमदाबाद में स्टैब्लिश हुआ था। याद रखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं विच आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम। And that is it for the day. Thank you and have a nice day.